नमस्ते, मेरा नाम सूरज जायसवाल और आज हम COP25 के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम यह जानें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, यह कन्वेंशन 21 मार्च 1994 से प्रभाव में आया। UNFCCC का प्रथम कोप सम्मेलन वर्ष 1995 में बर्लिन में हुआ था। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 3 कन्वेंशन की घोषणा की गई थी। उनमें से एक UNFCCC का उद्देश्य जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना था। 2019 में होने वाली कन्वेंशन में 181 देशों ने कन्वेंशन में शिरकत तथा इन्हीं देशों के सम्मेलन को पार्टियों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। तो आइए अब यह जानें कि COP25 का उद्देश्य क्या है। यह बैठक गैर पार्टी हितधारकों द्वारा किए गए जलवायु कार्रवाई के धन का प्रदर्शन करेगी और क्षेत्रों, शहरों, व्यापार, निवेशकों और नागरिक समाज की कार्रवाई की को प्रेरित करने में मदद करेगी। यह सम्मेलन COP25 का 25वां सत्र है। क्योटो प्रोटोकॉल CMP15 पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत पार्टियों के सम्मेलन में 15वें सत्र और दूसरे सत्र में शामिल होंगे। पेरिस समझौते CMA2 के लिए पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत दलों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बनाया गया है। पिछले साल पोलैंड में 24 अप्रैल को पेरिस समझौते के कार्यान्वयन दिशा निर्देशों पर सहमति के बाद पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के पूर्ण परिचालन के संबंध में कई मामलों को पूरा करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। तो आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानें कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह वीडियो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है। तो आइए अब जानें कुछ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए डाटा के बारे में। 2019 की रिपोर्ट असाधारण वैश्विक गर्मी और उच्च प्रभाव वाले मौसम। वैश्विक जलवायु पर WMO अंतिम वक्तव्य का कहना है कि 2019 जनवरी से अक्टूबर तक वैश्विक औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक अवधि से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ने 2018 में 407.8 भागों में प्रति मिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर कब्जा कर लिया और 2019 में वृद्धि जारी रखी। सदियों से CO2 वायुमंडल में रहता है और लंबे समय तक महासागर में रहता है, इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में लॉक हो जाता है।
यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई कि हमारे तापमान में किस तरह से बदलाव आ रहा है और यह जनवरी से अक्टूबर के महीने में किस तरह से बदलाव आया तापमान में। यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई कि हमारे तापमान में किस तरह से बदलाव आ रहा है और यह जनवरी से अक्टूबर के महीने में किस तरह से बदलाव आया तापमान में। जलवायु कार्रवाई के लिए फैशन उद्योग चार्टर। फैशन उद्योग चार्टर न केवल फैशन ब्रांडों बल्कि निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं, रसद और निवेशक कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया कंपनियों को एक साथ लाता है और एक स्थायी उद्योग में बदलने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सभी अभिनेताओं को साथ काम करना और बदलाव लाना जरूरी है। फैशन के कुछ सबसे बड़े ब्रांडों ने 2030 तक पूरे मूल्य श्रृंखला में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 30% की कमी को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए COP25 में सहभागिता ली। प्रमुख कपड़ा उत्पादन कंपनियों द्वारा देशों में जलवायु कार्यक्रम करना, एक महत्वाकांक्षी क्षेत्र डीकार्बनाइजेशन मार्ग को निर्धारित करना और नीति निर्माताओं के साथ साझेदारी में काम करना, यह कुछ महत्वपूर्ण समझौते इस COP25 में किए गए। तो आइए अब बात करते हैं भारत और COP25 की। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत अपनी जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं में बात कर रहा है और अपनी सकल घरेलू उत्पाद में 21% उत्सर्जन की तीव्रता को कम कर दिया है, जबकि 2015 में पेरिस शिखर सम्मेलन में वादा किए गए 35% उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। 4 दिसंबर 2019 को आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के मामले में 181 देशों में से पांचवा सबसे कमजोर देश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का आर्थिक नुकसान विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नुकसान था, 2.7 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2018 के रक्षा बजट जितना था। जलवायु परिवर्तन का असर। विश्व में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है और इस परिवर्तन की वजह से भूजल पर भी बहुत असर पड़ा है, जिसके कारण नदियां निरंतर सूख रही हैं और भूमि में मौजूद जलभृत भी सूख रहे हैं। जानिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा और बातें इस वीडियो के माध्यम से। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो तीन जो पैरामीटर है, उसमें पॉल्यूशन जियोग्राफीज है और जो इनका स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। पहले लेवल पे बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन है, जिसकी हम बात करते हैं। दूसरे लेवल पे जो है वो फ्लोराइड है और तीसरा है जो आर्सेनिक है। अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका में जो हम बैक्टीरिया, वायरस, सिस्ट और उस लेवल पे वो लोग सोच रहे हैं और वो वाटर क्वालिटी को लेके बहुत गंभीर हैं। बट अभी हमारे देश में इसमें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक डाटाबेस हमारे पास होना चाहिए और जो सोर्सेज का एक वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें एक बनाना पड़ेगा, ताकि हम इस कहाँ किस सोर्स में कौन सी दिक्कत है और ये क्या दिक्कत नहीं है तो क्या वो सीजनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके ऊपर भी जब एक बृहद डाटाबेस हमारे पास होगा तो हम इसके मिटिगेशन की बात कर सकते हैं। दूसरा है आर्सेनिक और फ्लोराइड, जो केमिकल कंटामिनेशन की श्रेणी में आते हैं। वो बहुत सेवेरिटी देखें इनकी तो बहुत गंभीर है, क्योंकि स्केल्टल और डेंटल फ्लोरोसिस की जो केसेस हैं वो बहुत सारे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से बहुत सारे केसेस इसमें आ रहे हैं, कर्नाटका से केसेस आ रहे हैं। तो उसके ऊपर भी एक गंभीरता से एक जो वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर के रूप में हमें इसको लेना चाहिए और इसमें एक मिटिगेशन प्लान हमें इसमें बनाना चाहिए। और आई थिंक ये वाटर और हेल्थ का एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कर सकते हैं। और तीसरा है आर्सेनिक की जो बात है, वो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, बंगाल है, बिहार है या फिर ईस्टर्न यूपी है, इसमें आर्सेनिक के बहुत सारे आसाम है तो बहुत सारे जो लेवल्स हैं वो हाई है, जो लिमिट्स है BIS और WHO की लिमिट्स है। उसके ऊपर जो इसका जो परिणाम है वो स्किन के डिजीजेस है या फिर कार्सियोजेनिक है, मतलब कैंसर के खतरे उसमें बढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो केसेस हैं, ये सारे जो डाटाबेस की हम बात करते हैं
वो अभी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें एक बृहद स्तर पे और सीजनल लेवल का डाटा हमारे पास वाटर क्वालिटी का है। तो पहले चीज़ है कि इसको मॉनिटर करना, उसको दूसरा है कि उसको एक MIS सिस्टम इसके पास होना चाहिए, तीसरा है इसको मिटिगेशन के तरीके इसके क्या होंगे ताकि हम लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी जल जो गुणवत्ता का पानी है वो हम उपलब्ध करा सकें।